गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सुबह के 5 बज चुके हैं और आपकी जीरो लेवल की मैथ का समय हो चुका है ना भाई। तो आवाज़ वगैरह क्लियर है, सही दिख रहा है ना। आज हमने बहुत सी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश किया है। देखिए, ये साउंड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, लग रहा है ऐसा कुछ, तो मैं इसे हाथ में ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब सही रहेगा। और लग रहा है बैलून थोड़ा तेज है, थोड़ा सा रुकिएगा बस। ठीक है, अब सही होगा ना। देखिए, वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल मतलब समझिएगा, वर्गमूल होता क्या है। देखिए, इसे अगर मैं ऐसे लिखूं, वर्ग प्लस मूल इक्वल क्या होता है, वर्गमूल होता है ना भाई, होता है। यानी अगर हमने कहा कि 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल क्या, 2। ठीक, बात समझ रहे ना। तो आप जानते होंगे वर्ग क्या होता है बाबू, वर्ग क्या होता है। जैसे अगर हमने लिखा 2 की घात 2, इसका मतलब अगर किसी नंबर की घात 2 लगी है, इसका मतलब वो वर्ग रूप में लिखा है। ठीक है, तो अगर हमने लिखा 3 की घात 2, यानी कि हमने क्या लिख दिया इसको, वर्ग के रूप में। इसको हल करेंगे आ जाएगा 9। अगर मैं कहूं कि 9 का वर्गमूल बताओ, 9 का वर्गमूल बताओ, तो कहने का मतलब वर्ग मूल मतलब उस संख्या को आपको बताना है, उस मूल को आपको बताना है जिसका वर्ग करने पर 9 आया था। बात समझ रहे ना, मतलब हमें उस नंबर को बताना है जिसका वर्ग करने पर 9 आया था। बात समझ रहे ना। तो अगर मैं लिखूं यहां पर अंडर रूट 9, तो इसमें मूल संख्या क्या थी, वर्ग जिसका किया गया था, वो कौन सी संख्या थी जो 9 आया था, तो वही 3 का वर्ग किया गया रहा होगा ना बाबू। ये 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है ना, बात समझ रहे हैं। कहने का मतलब हमारा वर्गमूल कितना होगा, 3। 3 क्या होगा इसका, वर्गमूल होगा। वर्गमूल क्या होगा, 3। यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। कैसे मालूम चला, यानी कि हमें क्या निकालना है। देखिए, वर्गमूल यानी कि जो संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, हमें ये देखना कि वो किस संख्या का वर्ग है। जैसे हमने लिखा अगर यहाँ पर 16, अंडर रूट 16, तो आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या का वर्ग करने पर 16 आया था। वर्ग जाते ना, किस संख्या की घात 2 लगाने पर 16 आया था, और जिस संख्या की घात पर 2 लगाने पर 16 आया था, मतलब जिस संख्या की घात को 2 लिखने पर ये आया था 16, वही आपका उत्तर होगा। तो अगर आप देखिए, तो 4 की घात 2 मतलब 4 की घात 2 करने पर 16 आता ना बाबू, इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, 4। 4 क्या है, वर्गमूल है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल जीरो लेवल का। बात समझ में आई ना। अब हम चलते हैं अपना ये फंडा जो हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं उस पे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। चले, देखिए, एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था, आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा और कुछ लोगों ने उसके उत्तर भी कमेंट कर दिए होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो तुरंत कमेंट कर दें, और हमारी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप ये जानकारी समझ चुके तो कम से कम 3 मित्रों में अपने इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, उसके बाद वीडियो को आगे देखें। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें, और नए नए जुड़े हैं ना तो पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा, और ना बहुत पछताएंगे। ठीक है, आगे चलें। देखिए, होता क्या है भाई, जिसका हमें वर्गमूल निकालना होता है, जैसे 4 है तो इसका हम लोग ऐसे गुणनखंड कर लेते हैं, ये 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2, जब नीचे 1 आ जाता है तो उसी पर काम खत्म कर देते हैं, फिर आगे कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इधर हो गया। इधर क्या करेंगे, ये 2 2 2 बार आया था ना, तो इसको अंदर में लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इसका पेयर बनाते हैं 2 2 का वर्गमूल में, मतलब 2 2 अंक आने चाहिए। ये नहीं जरूरी कि 2 ही गिनती रहे, मतलब इस पे 2, इस पे 2, इस पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन दोनों समान रहना चाहिए। ठीक, तो एक जोड़े से एक गिनती को बाहर निकाल लेते हैं, यही उत्तर हो जाता है। बात समझ आई। देखिए, अगले क्वेश्चन से आपका मैटर क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो कुछ कंफ्यूजन रही होगी, देखिए इधर साइड में अगर हमने आपको इधर लिख के दिखाया अंडर रूट, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा आपका, और उसमें मैं आपको कुछ और दूसरा दिखाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने लिखा अंडर रूट 16, देखिए 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा।
अगर इसे मैं डिवाइड करूं 16 को, तो 2 से काटूं तो 8 आएगा, फिर 2 से काटूं तो 4, और फिर 2 से तो 2, और फिर 2 से तो 1, होता ना। यानी कहने का मतलब हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 16 इक्वल अंडर रूट में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 2 4 बार। अब 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं, और एक एक जोड़े से एक एक गिनती बाहर आ जाती है, और इस तरह से आपका वर्गमूल हो जाता है 4। बात समझ में आई? ये होता है आपका सिस्टम वाला तरीका। बाकी का अगर आप बेसिक देखें तो ये होता बाबू वर्ग और प्लस मूल, वर्ग प्लस मूल। कहने का मतलब अगर हमें 16 का वर्गमूल निकालना है तो हमें ये देखना है कि 16 किस संख्या का वर्ग होता है, तो 16 होता है 4 का वर्ग, यानी कि 4 हमारा क्या है, उत्तर है। बात समझ गए ना? तो आगे चलें, देखिए जीरो लेवल की मैथ आप देख रहे हैं ना भाई, जीरो लेवल की मैथ है ये, तभी आपका ये सिस्टम मैं इतना अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए जोड़ा बनाते हैं भाई, कपल, कपल जानते हैं ना, पेयर बोलेंगे वैसे इसे, तो कपल नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैथ है बाबू, ठीक है, तो पेयर बोलेंगे इसमें। अब देखिए कोई और भी नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इधर देखिएगा एक अलग तरीका क्वेश्चन। मान लेते हैं अंडर रूट 12 आ गया, अब इसका कैसे करेंगे वर्गमूल? इसका उत्तर है 2 2 4, यानी कि 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 × 2, ना नाप दीजिए। देखिए बहुत अजीब सा उत्तर आएगा इसका, क्यों? ध्यान दीजिएगा, अगर हमने 12 को काट दिया तो 2 6 12, और 2 3 6, और 3 1 3। अब अगर इसे देखें तो ये अंडर रूट 12 इक्वल आपका आ जाएगा 2 × 2 × 3 ना। और जब आप इसमें जोड़ा बनाएंगे भाई, तो ये जोड़ा 2 का बन जा रहा है, तो 2 1 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, इस पर वर्गमूल का झंझट खत्म हो जाएगा। बट 3 देखिए बेचारा अकेला सा बचा है, तनहा सा, तो ये क्या होगा, ये वर्गमूल से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसमें कंडीशन ये है ना कि जिसके जिसके पास में पेयर है भाई, वही बाहर जा सकता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर यह शर्त लगा दी जाए कि भाई जो लोग जोड़े में हैं, जो लोग कपल हैं यानी कि वाइफ हस्बैंड हैं, वही लोग बाहर जा सकते हैं, बाकी के सब लोग अंदर में रहेंगे, जितने भी अनमैरिड है सब अंदर में रहेंगे। मतलब समझ रहे ना, जो सिंगल है, तो भाई ये सिंगल रहेंगे तो इनके ऊपर से वर्गमूल का झंझट नहीं हटेगा, और इनको ये वर्गमूल का चिन्ह घेरे रहेगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई ना? ठीक आई समझ में? इसका राइट आंसर होगा 2 अंडर रूट 3। ये अलग तरह का क्वेश्चन होता है, समझ गए ना? हाँ, ये जीरो लेवल की मैथ की क्लास थी, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती बाबू, ये 8 मिनट 10 मिनट की क्लास होती है। आप लोग इसका अगला भाग देखेंगे कल वर्गमूल का, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, चलते चलते डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, PBR स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ मैथ आफाना चैनल को सब्सक्राइब करें, और अनअकेडमी पर भी PBR स्टडी को फॉलो करें। इसके अलावा PBR स्टडी के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, PBR स्टडी ब्लॉग्स, जिसमें आप देखते हैं हम और हमारी टीम के कुछ पर्सनल वीडियोज, जो कि किसी फंक्शन कार्यक्रम कहीं टूर पे जाने पर जो भी चीज़ें होती हैं आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। जैसे एबी सिंह सर हैं और सोनू सर हम हैं, यानी कि राज कुमार वाला नाम है, आप लोग जानते होंगे, और विनय सर हैं, लेकिन मैं इतने सर का नाम बता रहा हूँ, आपने सबको देखा भी नहीं होगा क्योंकि सभी रेगुलर नहीं हो पाते हैं। बाकी टीम तो है 8 लोगों की लगभग इस समय, ठीक है, लेकिन आपको रेगुलर दिखता होगा तो मैं, क्यों? क्योंकि कुछ रीजन है, नहीं बता सकता यहाँ पे। आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा, ऊपर दिए गए हैं, हम आपको कांटेक्ट करिएगा, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। इसके बाद फिर मिलेंगे अभी 6 बजे से, गणित की क्लास, DLED की क्लास जरूर देखिएगा 6 बजे से, 7 बजे से CTET UP पुलिस मैथ, ठीक है, जो कि आपकी SSC CGL और SSC GD की परीक्षा में भी आएगी, इसके साथ साथ रेलवे की परीक्षा में भी आएगी। ये जो आपने पढ़ा ना बाबू, ये सभी परीक्षा में आएगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ना आए, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। चलते चलते इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें, और कम से कम 3 मित्रों को जरूर शेयर करिएगा।